Okay, so guys, today we are going to start with the first chapter that we are going to deal with is matrices. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैट्रिक्स है क्या. सबसे पहले मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स. ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बेसिकली होता क्या है. इट कंसिस्ट ऑफ रोज, इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स. अब रोज क्या होते हैं, रोज होते हैं ये हॉरिजॉन्टल नंबर्स, नंबर्स जो ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है. अब हॉरिजॉन्टली मतलब क्या होता है, दिस वे इज हॉरिजॉन्टल विच आर व्हाट, विच आर रोज. एंड व्हेन वी टॉक लाइक दिस वे दैट इज वर्टिकल वे, सो इट बिकम्स कॉलम्स. सो ये रोज एंड कॉलम्स का जो अरेंजमेंट होता है इसी को तो कहते हैं मैट्रिक्स, यही तो है मैट्रिक्स. नाउ गाइस, आप लोग ये चीज देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ 3x3 लिखा है, अभी है क्या. यू माइट बी कंफ्यूज कि ये है क्या बेसिकली, व्हाट इज 3x3, व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर. सो गाइस, लेट मी कम टू अनदर पॉइंट एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. नाउ लेट स्टार्ट विथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर आपको अपने मैट्रिक्स में ये पता है कि आपके पास कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो आप बता सकते हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर. सो गाइस, देयर इज आई हैव गिवन एन एग्जांपल, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे जिसमें कुछ रोज है कुछ कॉलम्स है. अब मैंने आपको पहले बता दिया कि रोज और कॉलम्स कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. यहाँ पे कितने रोज दिख रहे हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स, 1, 2, तो रोज कितने हो गए टोटल, दिस इज 1 रो, दिस इज 2nd रो, टोटल मिला के देर आर नंबर ऑफ रोज हाउ मच, 2. नाउ लेट्स कम टू द कॉलम पार्ट. दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड देन वी कम टू द थर्ड कॉलम. कितने कॉलम्स हो गए गाइस, 3. वी हैव 3 कॉलम्स, ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ रोज आर 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3. नाउ गाइस, ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है. सबसे पहली चीज, ये जो m जो है ना, दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स. तो जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा, कितने रोज थे टोटल, 2 रोज थे. कितने कॉलम है, 3 कॉलम है. सो लेट्स राइट 2, लेट्स राइट ओवर हियर 3 एंड जैसे कि मैंने कहा बीच में एक क्रॉस लिखते हैं हम. सो 2x3 विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नथिंग एल्स. सो नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग गाइज, यू कैन आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. लेट मी गिव यू वन अदर एग्जाम्पल. कंसिडर वी हैव 3, 3, 1, 2, 1, 6 एंड 5, 7, 9. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस. वी नीड टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. हाउ टू डू इट, हाउ मेनी रोज गाइज, 1, 2 एंड 3. आई कैन सी देर आर टोटल 3 रोज. Okay guys, what about columns? We have 1 column, 2 column and 3 column. I got the rows, I got the columns. Now how to write it? सबसे पहले हम लिखते हैं number of rows. Then we write number of columns. बीच में हम डालते हैं cross. Number of rows are 3, number of columns are 3. So we'll write 3x3 and that will determine what? Our order of matrix.